नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लिबिन सर, स्वागत है और एक नया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे कि काइन मास्टर से कैसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कैसे इंट्रो बना सकते हैं उसी से काइन मास्टर में, तो उसी के बारे में डिटेल्स बताने वाला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें आदिवासी टेक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करने के लिए दोस्तों आपको 3 स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि आपका चैनल का, जैसे कि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और सब्सक्राइब किया हुआ, और एक बेल आइकन का यानी कि नोटिफिकेशन बेल वाला, ठीक है। तो इसको करके आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका काइन मास्टर ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको कर देना एमटी प्रोजेक्ट को क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद आपको रेशियो सेलेक्ट करना है, 16:9 को क्लिक करना है। उसके बाद आपको चले जाना है इसे स्क्रीन पे। तो इस तरह से आपको इंटरफेस आ जाएगा। आपको कर देना है बैकग्राउंड को क्लिक। बैकग्राउंड को क्लिक करने से आपको इस तरह से बहुत सारा बैकग्राउंड आपको मिल जाता है फ्री में। आपको कोई सा भी इसी में से एक चूज करके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको थोड़ा एक्सटेंड करके सेकेंड यानी कि 10 सेकेंड का ड्यूरेशन में आपको सेलेक्ट कर देना है, यानी कि एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको फिर से लेयर में जाना है। लेयर में क्लिक करने के बाद आपको फिर से जो मैंने बताया था, आपको और एक चीज़ लेना है इसमें, मोबाइल का फ्रेम, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको मोबाइल का फ्रेम एक गूगल से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, उसी में से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा एक्सटेंड करके सेम टू सेम रख देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर से जाना है आपको लेयर में। तो लेयर में जाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, जो सब्सक्राइब बटन का जो मैंने बोला था सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जो स्क्रीन शॉट है उसको फिर से लेना है। उसको लेने के बाद फिर से सेट कर लेना है। उसके बाद उसका जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है ना, छोटा कर देना है, यानी कि 1 में, ठीक है, 1 में रख देना है। उसके बाद फिर से आपको लेयर में जाना है। फिर से आपको जो सब्सक्राइब बटन, जो सब्सक्राइब किया हुआ पिक्चर है उसको स्क्रीनशॉट को फिर से लेके आना है। फिर से आपका जो फ्रेम में सेट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। और आपका ड्यूरेशन है उसको जो पहले था पिक्चर का उससे नेक्स्ट करके यानी कि उसका सेकेंड में उसको रख लेना है, ठीक है, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो नीचे। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है इसको। फिर दोस्तों आपको चला जाना है लेयर में। लेयर में जाके आपको टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाके आपको इमोजी में जाना है। इमोजी में आपको ढूंढना है ये जो फिंगरप्रिंट का जो साइन है, तो इसको आपको क्या करना है, ले लेना है। इसको लेने के बाद आपको चला जाना है ओवरऑल एनिमेशन में। उसके बाद आपको जाना है सबसे नीचे स्क्रॉल करके, उसके बाद इसको सीन को सेट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इसमें सेट कर लिया। उसके बाद इस तरह से दोस्तों सेट कर लेना है। उसके बाद ड्यूरेशन को भी थोड़ा कम कर लेना है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको प्ले करके, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, जैसा लग रहा है कि मतलब सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद जो ड्यूरेशन है उसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेना है आपका ड्यूरेशन फोटोज़ का, ठीक है। तो सेट करने के बाद आपको फिर से लेयर में क्लिक करना है। फिर से लेयर में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जो सब्सक्राइब का जो स्क्रीनशॉट था उसको फिर से लेके आना है। फिर से आपको वही फ्रेम में सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद आपको ड्यूरेशन का भी चेक कर लेना है कहाँ तक ये सब्सक्राइब रहेगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप अच्छा से सेट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, लेयर पे जाना है। फिर से आपको टेक्स्ट में जाकर फिर से आपको जो बेल आइकन है, ठीक है ना, जो घंटी का इमोजी है उसको फिर से लेना है और इसमें सेट कर लेना है। इसमें सेट करने के बाद आपको इसका जो ड्यूरेशन था उसको थोड़ा कम कर लेना है, ठीक है ना, थोड़ा कम करके, जैसे कि मतलब सब्सक्राइब करने के बाद जैसे कि जो बेल आइकन दिखते हैं उसी के हिसाब से आप सेट कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, लेयर में क्लिक करना है। लेयर में जाने के बाद फिर से आपको जो प्रेस का इमोजी है उसको ले लेना है, ठीक है। उसको लेने के बाद उसको अच्छा से ओवरऑल एनिमेशन से स्क्विशिंग को फिर से ऑन कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, उसको अच्छा से सेट कर लेना है। उसके बाद जो ड्यूरेशन है उसको भी अच्छा से आप मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। मतलब जहाँ से आपको जैसे कि जो बेल आइकन होगा उसके ऊपर वही के हिसाब से
जहाँ तक प्रेस होता है, यानी कि जब आप देख सकते हो, जैसे कि सब्सक्राइब हो गया, बेल आइकन को प्रेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा इसको कम कर लेना है, जैसे कि जो बेल आइकन का जो ड्यूरेशन है उसको अच्छा से सेट कर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो बेल आइकन प्रेस करने के बाद तीन ऑप्शन आते हैं उसी का, ठीक है ना। तो उसको लेने के बाद आपको सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद आपको फिर से लेयर पे जाकर टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाकर फिर से आपको जो फिंगर का जो प्रेस करने वाला इमोजी है उसको फिर से ले लेना है। फिर से लेने के बाद आपको क्या है, थोड़ा बड़ा करके इसको फिर से सेट कर लेना है, जैसे कि मैं कर दिया इसमें। फिर से ओवरऑल एनिमेशन में जाकर फिर से स्क्वीशिंग को ऑन कर देना है, जैसे कि मतलब प्रेस कर रहा हो। तो इस तरह से आप सेट करना है। तो इसको करने के बाद आप देख सकते हो, जैसे कि मैं कर दिया कि आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से जो ऑल का बटन है, यानी कि जो ऑप्शन है उसको प्रेस कर रहा है जैसा, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर से आप देख सकते हो, देखिए इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इसको सेट कर पाएंगे, जैसे कि मैं करके दिखाया आपको। थोड़ा टाइम लगेगा, आप अच्छा से कर लेना। तो इस तरह से मैं जल्दी में कर लिया था। तो उसके बाद क्या करना है, इसको करने के बाद आपका जो वॉइस ओवर करने के लिए आपका जो वॉइस का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके आप वॉइस ओवर दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अच्छा से वॉइस ओवर करके इसको मज़ेदार बना सकते हो। उसके बाद आपको एरो का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर, उसको क्लिक करना है। इसमें क्या है दोस्तों, आपको एक्सपोर्ट एंड शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। एसडी और एसडी क्वालिटी में आप कौन सा चाहे, यानी कि बिटरेट का भी आप उसका हाई लो करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है बहुत ही आसानी से। आपको एमबीपीएस जितना चाहे उतना हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। इसको करने के बाद आपको जो प्रीमियम का ऑप्शन मिल रहा है आप इसमें से बाय भी कर सकते हो, आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो। इसको क्लिक करने के बाद इस तरह से आता है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, 5-10 मिनट। उसके बाद फिर से आपको एक्सपोर्ट हो जाता है आपका जो वीडियो एडिट किया था वो, ठीक है। तो आपको इसको करके दिखा देता हूँ कैसे हुआ जो वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप भी खुद के चैनल के लिए आपका एंड्रॉयड फ़ोन से इंट्रो बना सकते हो दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना दोस्त लोगों को। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया सोशल मीडिया में तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।